बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में गैसेस के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। साथ ही साथ हमने पाई ग्राफ से एयर कंपोनेंट्स ऑफ एयर भी डिस्कस किए थे। सो व्हाट विल वी लर्न इन टुडेज लेक्चर? We will learn about air as an insulator, heat insulator. Heat insulator में हम कुछ objects को discuss करेंगे, like polystyrene, bubble wrap, feather and fur. Why do people wear woolen clothes in winter? Winter season में people woolen clothes means ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? In fact students, जब विंटर सीज़न होता होगा आप भी वुलन क्लोथ्स वेयर करते होंगे, तो वुलन क्लोथ्स वेयर करने का रीज़न क्या है आइए देखते हैं। सो द रीज़न इज़ वुलन क्लोथिंग्स हेल्प्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। वुलन क्लोथ्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं सर्दियों के मौसम में गर्म रहने में। इट इज़ एबल टू डू दिस बिकॉज वुल एंड द एयर ट्रैप्ड इन इट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वुल मीन्स ऊन और जो एयर ट्रैप इसके अंदर हो जाती है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। पुअर कंडक्टर्स मीन्स ये अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हेन एवर द एयर इज ट्रैप इट कैन बी यूज्ड एज एन इंसुलेटर। एयर जब भी कहीं ट्रैप हो जाती है, चाहे वो बबल रैप में ट्रैप हो या वुलन क्लोथ्स में ट्रैप हो, तो वो एज एन इंसुलेटर वर्क करती है। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कंडक्टर, कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हो इजीली, और इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सकती हो। तो यहाँ हम हमारे लेक्चर में, हमारे चैप्टर में सिर्फ कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट की ही बात कर रहे हैं। द वुल एंड द ट्रैप्ड एयर प्रिवेंट हीट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम ट्रांसफरिंग क्विकली टू द कोल्ड सराउंडिंग। हीट हमेशा वार्म सराउंडिंग या वार्म ऑब्जेक्ट से कोल्ड सराउंडिंग में मूव या ट्रांसफ़र होती है। तो इसी तरह विंटर में हमारी बॉडी की हीट ट्रांसफ़र या मूव हो सकती है कोल्ड सराउंडिंग में। सो स्टूडेंट्स, ये जो वुलन क्लोथ्स हैं और ट्रैप्ड एयर है, ये हमारी हीट को विंटर सीजन में बॉडी से ट्रांसफ़र होने नहीं देती, बॉडी के अंदर ही स्टॉप करके रखने में हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे। फैक्ट स्टूडेंट, फैक्ट उस बात को कहते हैं जो 100% कंफर्म होती है। अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। जी, हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टर, हमने अभी अभी क्या रिवाइज किया था? कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हों, अपने अंदर से पास होने देते हों। सेम इसी तरीके से इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स थे जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। तो यहाँ फैक्ट क्या बताया जा रहा है? जो पुअर कंडक्टर है मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रहा, प्रॉब्लम दे रहा है उसे पास होने में, तो वो क्या कहलाएगा? जब वो पुअर कंडक्टर है तो वो क्या हुआ फिर? वो गुड हीट इंसुलेटर हुआ, मींस वो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं दे रहा, तो इट मींस वो क्या है? वो इंसुलेटर है। जी, इट मींस इसीलिए कहा जा रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ अ सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। इन सम ऑफ द हाउसेज वी सी दैट पीपल यूज़ ग्लेज्ड विंडोज। व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीपल यूज़ इट? ग्लेजिंग ऑन विंडोज इज़ सच ट्रीटमेंट जो कि आपके हाउसेज को वेदर इफेक्ट फ्री कर देती है। लाइक जब समर या विंटर हो तो वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देती। कैसे? जब ठंड विंटर सीजन है तो हमारे रूम्स की जो हॉटनेस है उसे ट्रांसफ़र होने नहीं देती कोल्ड सराउंडिंग में। सेम इसी तरीके से समर में जो आउटसाइड की सराउंडिंग की, जो हमारे हाउसेस के बाहर की सराउंडिंग की हॉटनेस होती है, उसे हमारे कूल एयर कंडीशन रूम्स में ट्रांसफ़र होने नहीं देती। बट वी नीड टू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंडोज।
सिंगल ग्लेज विंडो एंड डबल ग्लेज विंडोज। ग्लेजिंग ऑन विंडोज सिंगल ग्लास पेन पे यूज़ किया गया है, मीन सिंगल ग्लास पेन यूज़ किया है तो फिर ये इतनी इफेक्टेड नहीं होती वेदर को स्टॉप करने के लिए, जबकि डबल ग्लेज विंडोज़ में डबल लेयर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं वेदर को स्टॉप करने के लिए। डबल ग्लेज विंडोज़ में क्या होगा, टू सेपरेट पीसीज ऑफ ग्लास होंगे, बीच में उनके गैप होगा जहाँ एयर एज एन इंसुलेटर वर्क करेगी। द लेयर ऑफ एयर इन डबल ग्लेज विंडो इज अ गुड हीट इंसुलेटर, मीन्स जो ग्लेज विंडोज होती हैं इनकी डबल लेयर्स, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रही हैं, इनकी डबल लेयर्स में एक एक लेयर होती है एयर की, तो ये जो लेयर ऑफ एयर है ये गुड हीट इंसुलेटर है, मीन्स अपने ये लेयर अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देती है। ड्यूरिंग विंटर इट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम अ हीटेड रूम फॉर ट्रांसफरिंग क्विकली टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो ये जो डबल लेयर होती है विंटर में, ये जो रूम हीट हुआ होता है, जो गर्म रूम होता है उससे हीट को बाहर निकलने नहीं देती है। बाहर की जो जाहिर सी बात है, जब ठंड है तो बाहर की सराउंडिंग तो ठंडी है, तो ये जो डबल लेयर होती है एयर की, जो लेयर है ग्लेज्ड विंडोज़ में, ये रूम की हीट को, रूम की हॉटनेस को स्टॉप करके रखती है। जी स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि डबल ग्लेज विंडोज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ समर में यूज़फुल होती हों और विंटर में यूज़फुल ना होती हों, या विंटर में उन्हें हटा दिया जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डबल ग्लेज विंडोज़ दोनों टाइप के सीज़न के लिए यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं ये समर सीज़न के लिए कैसे यूज़फुल होती है। इन समर इट प्रिवेंट द हीट आउटसाइड फ्रॉम पासिंग थ्रू द विंडो इनटू द कूलर एयर कंडीशन रूम। जी, समर में ये प्रिवेंट करती है हीट को, मींस हमारे जो कूल रूम्स हैं, एयर कंडीशन रूम्स या जो ठंडे रूम्स हैं, उनमें आउटसाइड की जो सराउंडिंग की जो हीट या हॉटनेस है उसे रूम में ट्रांसफ़र होने नहीं देती, रूम के अंदर आने ही नहीं देती हैं ये डबल ग्लेज विंडोज़। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि डबल ग्लेज विंडोज़ समर में और विंटर दोनों सीजन्स में हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रिवाइज विच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं, गुड इंसुलेटर्स। यस, हेयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड गुड हीट इंसुलेटर। नंबर वन हीट इंसुलेटर इज पॉलीस्टायरिन। स्टूडेंट, पॉलीस्टायरिन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक आपको यहाँ पिक्चर से भी पता चल रहा है, डिस्पोजिबल थिंग्स होती हैं, इनसे डिस्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास का क्या काम है, इसको क्यों हीट इंसुलेटर कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक निकालें तो वो इतनी जल्दी से गर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो डिस्पोजिबल ग्लास या पॉलीस्टायरिन है ये हीट को जल्दी से इसमें ट्रांसफ़र होने नहीं देती, मींस हॉट सराउंडिंग की हीट को इस कोल्ड सराउंडिंग में, इस कोल्ड ड्रिंक में जल्दी से ट्रांसफ़र होने नहीं देती। सेम इसी तरीके से अगर इसमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट लाइक कॉफ़ी निकाली जाए या टी निकाली जाए तो वो भी बहुत जल्दी से ठंडी नहीं होती। क्यों, क्योंकि पॉलीस्टायरिन उस हीट को, उस हॉट टी की हॉटनेस को या हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती कोल्ड सराउंडिंग में, और उसे थोड़ी देर तक गर्म ही रखती है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला, पॉलीस्टायरिन इज़ आल्सो अ गुड हीट इंसुलेटर। सेकंड टाइप ऑफ हीट इंसुलेटर इज़ बबल रैप। जी स्टूडेंट्स, बबल रैप तो आप सब जानते होंगे, इसके अंदर ये छोटी छोटी सी बबल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है, और ये एयर एज एन इंसुलेटर वर्क करती है। कहाँ, फूड्स पैकेजिंग में, मींस अगर हम फूड को इन बबल रैप से कवर कर दें तो जो सराउंडिंग की हीट है या हॉटनेस है वो उन फूड्स पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इट मींस ये बबल रैप उन्हें फूड्स को प्रोटेक्ट करेगा हीट से। थर्ड हीट ऑफ इंसुलेटर इज़ फैदर। जी स्टूडेंट्स, ये फैदर किसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स की। जी हाँ, ये बर्ड्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या वर्क करते हैं,
क्यों होते हैं बर्ड्स की बॉडी पे? क्योंकि ये इनकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हीट। कैसे? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इनके फेदर्स इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे कि आउटर सरफेस की जो हीट है वो इनकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो। सेम इसी तरीके से जब कोल्ड सीज़न मींस विंटर सीज़न है तो ये फेदर हेल्प करेंगे इनकी बॉडी के अंदर की जो हीट है उसे बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखने में, ताकि वो आउटर सरफेस में ट्रांसफ़र ना हो। लास्ट इंसुलेटर ऑफ हीट इज़ फर। यस इंस्टेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं ये फर किसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स की बॉडी पे। स्टूडेंट्स, इन फर को यूज़ करके विंटर में वेयर करने के लिए कोट्स बनाए जाते हैं, ताकि ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करें, प्रोटेक्ट करें। कैसे? ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है कोल्ड सीज़न विंटर सीज़न में, हमारी बॉडी की हीट वो आउटर सरफेस मीन्स हमारी जो सराउंडिंग कोल्ड सराउंडिंग है उसमें ट्रांसफ़र ना हो, तो ये फर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से ये एनिमल्स की बॉडी पे इनके जो फर होते हैं ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं विंटर और समर दोनों में। कैसे? समर सीज़न में जो आउटर सराउंडिंग की सरफेस आउटर सराउंडिंग की जो हीट है उनकी उसे उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र होने नहीं देते यही फर। फिर इसी तरीके से जब विंटर सीज़न होता है तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर की जो हीट है उसे अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं इनके फर, उसे अंदर ही स्टॉप रखते हैं कि वो बाहर की सरफेस में ट्रांसफ़र ना हो। सो स्टूडेंट्स, लेट समराइज व्हाट वी हैव लर्न। वी हैव लर्न अबाउट एयर वर्क्स एज एन इंसुलेटर। अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ्स हेल्प अस टू कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। सम मटीरियल्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर सच एज वूल, फेदर, फर, पॉलिस्टाइरिन एंड बबल रैप। दीज मटीरियल्स कीप थिंग्स वार्म और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Before starting your homework, here are some instructions related to your homework. Do your homework neatly with sharpened pencil and mention date on each question. Now it's your homework time. Do question number 1, 2 and 3 in your workbook. Aapko aapki workbook ka question 1, 2, 3 guesses all around ka workbook mein hi bahut neat and clean complete karna hoga. Thank you so much, my dear students. I hope you enjoy the lecture and understand it very well. Student, don't forget to subscribe SSCA YouTube channel and get notifications for uploaded lectures. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.